हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है मैं आपको अपनी जो भी वीडियो एडिटिंग का बारे में है, बहुत से भाई जो पूछते रहते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सा पीसी आपने लिया है, तो उसके बारे में आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत से भाइयों का कमेंट होता है, बहुत से भाई लोग मुझको कॉल करके भी पूछते हैं कि आप अगर मतलब कौन सा ऐप यूज़ करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, और तो ये सारे सवाल हैं। सबसे पहला तो ये कि आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं और मेरे वीडियो जो है पहले से देख रहे हैं, यानी कि 2017 फरवरी मार्च में मैंने जो है अपना चैनल बनाया था और सबसे पहला मैंने जो वीडियो अपलोड किया था तो मैंने अपने J2 मोबाइल में मैंने काइनमास्टर से वीडियो एडिटिंग करके डाला था। तो काइनमास्टर के अलावा इरेजर एप्लीकेशन, उसके बाद में PS टच और टच रिटच, इस तरह का जो एप्लीकेशन वगैरह को यूज़ करके मैंने जो है वीडियो बाहुबली का बनाया था। किस तरह से ऑब्जेक्ट को रिमूव करता हूँ मैं, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए या फिर मेरे चैनल में जाके आप वो वीडियो को आप खोज सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा मेरा वो वीडियो। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये तो बात हुआ अपना शुरुआत का, तो शुरुआत में मैंने अपना शुरुआत J2 मोबाइल, सैमसंग का J2 मोबाइल में से ही शुरू किया था और उसमें शायद उतना जो है ख़ास क्वालिटी, कैमरा का क्वालिटी नहीं था, फिर भी एडिटिंग करना था तो एडिटिंग में जो नया चीज़ था वो मैंने शुरू किया था, बाहुबली को प्रभास को मतलब इरेज करके बाहुबली का वीडियो क्रिएट किया था और वो उसी से जो है मेरा चैनल ग्रो हुआ, तो उसी को मैंने कंटिन्यू करते हुए आगे किया। और 2017 आखिरी में जो है मेरे यूट्यूब की अर्निंग चालू हो गई थी, वो काफ़ी पहले ही, जैसे कि लगभग अगस्त महीना जो 2017 अगस्त से मुझे यूट्यूब से अर्निंग चालू हो गई थी। और 2017 दिसंबर का जो मंथ है उसमें बहुत ही मतलब अच्छा खासा मुझे अर्निंग हुआ था यूट्यूब से, तो उसका पेमेंट जैसा आपको पता ही होगा जो एक महीने का, जिसमें इस महीने का अगर अर्निंग है तो आपको अगले महीने के लास्ट तक जो है मिल जाती है, तो दिसंबर का जो मेरा अर्निंग था वो मुझे जनवरी के लास्ट तक में मतलब मिलना था, तो उस हिसाब से मैंने पहले भी बहुत सारा मतलब उस टाइम में बीच में मैंने देख लिया था कि मुझको जो है काइनमास्टर से आगे जाना है और एडोबी आफ्टर इफेक्ट के बहुत सारे वीडियो मैंने देखे थे, तो उसमें मैंने ये सारा चीज़ भी देखा था कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट जो है सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करने के लिए पीसी का रिक्वायरमेंट क्या है, तो किस तरह का पीसी हमको चाहिए जो वो हमको हमारे जो है कंप्यूटर में वर्क कर सके। क्योंकि दोस्तों इस बीच में मैंने जो है एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर भी लिया था जो लगभग 7,500 का मैंने लिया था और उसमें मैंने ट्राई किया था कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट जो है वो उसको इंस्टॉल करूँ, मगर तब मुझे पता चला कि उसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, एक उसके लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और जब मैंने देखा तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब नया कंप्यूटर जब भी होगा तो लूँगा और उसके हिसाब से ही लूँगा। और जनवरी में मैंने जब मेरा पेमेंट आया तो उसके बाद में मैंने एक पीसी कॉन्फ़िगरेशन करके बनाया, तो पूरे जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट का मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने बनाया। यानी कि आपको अगर पता नहीं है तो आप जो है नेट में सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट, फिर भी मैं इस वीडियो में बताते चलूँ कि मिनिमम जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट का सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कम से कम आपको 8 GB का रैम चाहिए आपकी पीसी में और मैक्सिमम जो है 16 GB रैम चाहिए। तो कम से कम 8 GB रैम चाहिए, 2 GB का ग्राफिक कार्ड कम से कम, उससे ज़्यादा आप जितना लगाएंगे तो आपको जो है उतना स्मूथ ये जो है वर्क करेगा एडोबी आफ्टर इफेक्ट। मेरा जो पीसी है वो 1 GB का रैम है और 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा है, इसके अलावा जो हार्ड डिस्क है 1 TB का हार्ड डिस्क मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है। और इसका जो जनरेशन वगैरह है या प्रोसेसर के बारे में है उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, तो ये सारा चीज़ जो है मैंने मोहम्मद आलम भाई, तो मेरे भाई आप लोग जानते ही होंगे, तो उनसे मैंने जो है बातचीत करते हुए जो यहाँ के जो कंप्यूटर जिन्होंने मेरा बनाया था, तो उनसे बातचीत करते हुए सारा ये करते हुए हमने जो है ये पीसी जो है कॉन्फ़िगरेशन करवाया है। तो इसके लिए जो है मेरा लगभग 30,000 जो है इस पीसी में खर्चा हुआ है और जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है यानी कि 16 GB रैम,
तो उसका जो है खर्चा लगभग 40,000 आ रहा था, जो मेरे बजट में नहीं था। मैंने सोचा था कि 25 से 30,000 मेरा टारगेट था और 30,000 में जो है मेरा बन रहा था। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से जो मेरा दिसंबर का जो अर्निंग जनवरी में आया था, तो उसमें का जो 50% जो है वो मैंने दे दिया। और पहले ही मैंने बातचीत कर लिया था कि बाकी का जो पेमेंट है उसको मैं इंस्टॉलमेंट में 3 या 4 महीने में मैं पे कर दूंगा। और इस तरह से जो है मैंने अपना पीसी लिया है और धीरे धीरे काम सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। एडोब एफ्टर जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और आप अगर VFX एनिमेशन या जिस तरह से मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, या मेरे से भी बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग आप उसमें कर सकते हैं VFX से रिलेटेड। आने वाला टाइम में जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ आपको जो है हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एडोबी आफ्टर का जो मैक्सिमम ट्यूटोरियल है वो इंग्लिश में है और हर कोई किसी को जो है इंग्लिश नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है उसका ट्यूटोरियल आपको दूँ। तो यार आज का वीडियो में बस यही है कि आपको बताना था, क्योंकि बहुत सारे भाई का सवाल था, लोग जानना चाहते थे। अब बहुत से भाई ये भी सोचते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर तो है तो हम भी एडोबे आफ्टर इफेक्ट चलाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। उसका सिस्टम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से अगर आपका सिस्टम है तभी वो रन कर सकेगा। और इसके अलावा अगर जैसे कि मैंने और एक चीज़ मैंने बताया नहीं कि मैंने जो सी ड्राइव का फोल्डर होता है उसमें पहली बार जो है 100 GB, ठीक है, 100 GB का जो है स्पेस रखा था कॉन्फ़िगरेशन कराने टाइम में। और मैंने जब एडोबे आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल किया और उसके बाद में उसका जो भी प्लगइन्स इंस्टॉल किया, तो सिर्फ एडोबे आफ्टर इफेक्ट और उसके प्लगइन्स में ही मेरा सी ड्राइव जो है ऑलमोस्ट फुल हो गया था, वो रेड में मतलब फुल के ये सिंबल में आ गया था। और अभी रिसेंटली जो है मेरा पीसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा लेग कर रहा था, मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था, तो इसके लिए मैंने दिखाया। और अभी जो है मैंने अपने पीसी का जो सी ड्राइव का स्पेस है उसको 200 GB रखा है, ताकि जो है एडोबे आफ्टर इफेक्ट के अलावा और भी जो सॉफ्टवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर के जो प्लगइन्स है उसका मैं इस्तेमाल करके आने वाली वीडियो में मैं यूज कर सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है बस इतने ही, छोटा सा वीडियो तो नहीं है, थोड़ा लंबा हो गया, मगर बहुत से भाइयों का सवाल था इसलिए सोचा कि ये वीडियो बना लेता हूँ। और मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उस पर काम चालू है और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।